ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाए। नमस्कार, मैं श्रुति शर्मा, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। खबर यूपी के एटा से है, जहां कोरोना के खिलाफ जंग में खड़े जंगवीरों के ऊपर थूकने मारने पीटने वाली शर्मसार कर देने वाली तस्वीरों के बीच जनपद एटा की अलीगंज कस्बे से ऐसी भी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां कोरोना जैसे गंभीर वायरस से लड़ने के लिए पुलिस और डॉक्टर दिन रात अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। अलीगंज नगर के इन लोगों ने कोरोना के खिलाफ लड़ने में अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए महिलाएं और बच्चियां और कुछ समाज सेवी भी मास्क बनाकर पुलिस कर्मियों, चिकित्सकों व घर घर जरूरत के सामान पहुंचाने वालों को वितरित करेंगे, जिससे कोरोना जैसे गंभीर संक्रमण से बचाव किया जा सके। ये सभी लोग मास्क को अपने निजी स्रोतों से निर्माण कर सभी कोरोना कर्मवीरों में वितरित कर रहे हैं। इन समाज सेवियों ने उन लोगों से भी अपील की है जो इन कोरोना कर्मवीरों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि देश इन दिनों परेशानियों के दौर से गुजर रहा है, ऐसे में सभी समुदाय के लोगों के साथ एकजुट होकर कोरोना के खिलाफ खड़ा होना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। डॉक्टर योगेश जैन, डॉक्टर साहब, आप जिस तरीके से आज एक मास्क बनाने का यहाँ पे काम चल रहा है, कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ बच्चे भी इसमें जो है काम कर रहे हैं, क्या मकसद है और किस तरीके से इन मास्कों को बनाया जा रहा है और कहाँ कहाँ वितरित किया जाना है? हमारा मूल मकसद है कोरोना के से युद्ध में जो हमारी अगली पंक्ति में जो खड़े हुए हैं, हमारे पुलिसकर्मी, हमारे चिकित्सक और हमारे वो होकर भी जो जन सुविधाओं को दूध, दही, दूध, सब्जी आदि पहुंचा रहे हैं, उनके स्वास्थ्य की चिंता जब तक आम आदमी नहीं करेगा, हम कोरोना से किसी भी कीमत में जीत नहीं सकते। हम ये मास्क वितरित करके ये संदेश देना चाहते हैं कि इस युद्ध में वो अकेले नहीं है, आम जन सामान्य है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कोरोना के युद्ध में पुलिस के पीछे जो हमारी आम पब्लिक खड़ी हुई है, यहाँ पर वे महिलाएं हैं जो नव दुर्गा में व्रत कर रही थी और ये कह रही है कि आज जिंदगी में पहली बार मेरा व्रत पूरा हुआ, क्योंकि व्रत भगवान दुर्गा की पूजा करना ही नहीं है, उनका जो मकसद सृष्टि के बनाए हुए जो जीव है उनकी रक्षा करना, और उस युद्ध में हम शामिल हैं। सच्ची अर्थों में मेरी नव दुर्गा की पूजा हुई है। ये एक आम मजदूर, एक अशिक्षित महिला आगे आ रही है कि 50 पीस हमें भी दो, हम भी बना के देंगे। शायद ये इस देश के लिए बहुत बड़ा मैसेज हो सकता है। जो है कई दिनों से देखने को मिल रहा है, कई ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिसमें डॉक्टर जो है पेशेंट का इलाज कर रहे हैं और वही मरीज जो है डॉक्टर के ऊपर थूक भी रहे हैं, तो ऐसे में एक तरफ कई जगह ये तस्वीरें भी आ रही हैं कि मास्क बना के बांटे जा रहे हैं, दूसरी तरफ उन्ही डॉक्टरों और पुलिस वालों के ऊपर थूक रहा है, तो क्या ये लोग मैसेज देना चाह रहे हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? शायद ये हमारे जो भाई है उनकी शायद परिपूर्ण शिक्षा नहीं हुई है। ये हमारा ही दुर्भाग्य है कि हम अपने भाई को शिक्षित नहीं कर पाए, हम किसी को दोष दें, ये शायद इस समय ये महत्वपूर्ण विषय नहीं है। महत्वपूर्ण विषय ये है कि हम पॉजिटिव काम करें, नेगेटिव काम तो हम 15 दिन बाद कर लेंगे, उनको समझाएंगे, शिक्षित करेंगे, भाई आप हमारे भाई हो, आप ऐसा गलत काम क्यों उठा रहे हो? अगर हमारा भाई कोई गलत कर जाए तो ये हमारे लिए भी शर्मिंदगी की बात है, उसके लिए अगर वो एक पत्थर उठाएंगे तो हम 4 मास्क बना के उनको देंगे, ताकि उनको ये लगे कि एक पक्ष उनको उनको स्नेह से देख रहा है तो 100 लोग उनको स्नेह से भी देख रहे हैं। उनकी हौसला अफजाई करने के लिए हमने एक छोटा सा प्रयत्न करने की कोशिश की, कितना हम सफल होते हैं ये तो हमारी भारतीय संस्कृति बताएगी, लेकिन हमारे इरादे एकदम नेक हैं, किसी को अपमानित करने के लिए या किसी को उत्तर देने के लिए नहीं। बता दें, कोरोना महामारी को लेकर जिस तरीके से पूरा संसार, पूरा प्रदेश, पूरा भारत देश परेशान है, लगातार कोरोना वायरस ने जो है तबाही मचा दी, रख दी है, ऐसे में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कुछ जो डॉक्टर्स हैं वो भगवान के रूप में अगर कह सकते हैं, जहाँ भगवान ने अपने दर बंद कर दिए हैं, डॉक्टरों के दर खुले हुए हैं, और देखा जा रहा है कि जो वीडियो सामने आ रहे हैं 2-3 दिन से, उसमें डॉक्टर्स के ही ऊपर जो है उनकी टीम पर जो है लगातार हमले किए जा रहे हैं, कहीं पत्थरों से और कहीं उनके ऊपर थूका जा रहा है। इसी क्रम में जनपद एटा के अलीगंज तहसील से एक ऐसी तस्वीर निकल कर आ रही है जहां लोगों ने एक बहुत अच्छा सराहनीय कार्य किया है। लोग जो है अपने घर पर बैठकर मास्क बना रहे हैं और उन मास्कों को जो है पुलिसकर्मियों, चाहे वो और कई लोग हों, डिजिटल वॉलंटियर हों, उनको बांटा जाएगा। अलीगंज प्राइम न्यूज 24 के लिए एटा से विकास दुबे की रिपोर्ट।